नमस्ते बच्चों, कक्षा 11 विषय समाजशास्त्र पाठ नंबर 3 चल रहा है। इससे पिछले वीडियो में आपने पढ़ा लिंग अनुपात और साथ में ही आपने असमानता, लैंगिक असमानता भी समझी कि स्त्री और पुरुष में किस तरीके का भेदभाव किया जा रहा है, अर्थात लड़की और लड़कों में किस प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है, कि लड़कियों को क्या समझा जाता है घर में, उसे पराया धन समझा जाता है, लड़कों पे ज़्यादा धन खर्च किया जाता है। इस मानसिक जो बीमारी है, ऐसी मानसिक जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं समाज के अंदर, वो आपने समझने का प्रयास किया। अब जो टॉपिक चलने वाला है वो है विवाह संस्था। हमने कहा था कि अब संस्थाएँ पढ़ी जाएंगी, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है विवाह संस्था। कहते हैं वैदिक काल से चार भाग वर्गों में बटा हुआ था, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इसी के साथ कहते हैं चार आश्रमों में भी था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अब कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम पार करने के बाद एक पवित्र आश्रम शुरू हो जाता है, उसका नाम है गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम कब से शुरू होता है? 25 वर्ष की आयु के बाद। उसमें सर्वप्रथम क्या कार्य होता है? शादी। शादी मतलब विवाह। अब हम विवाह को समझेंगे है क्या, ये इस तरीके से हमें समझना है। चैप्टर आपके पेज नंबर आपके सामने खुला हुआ है, देखते विवाह संस्था क्या है। विवाह संस्था क्या है? कहते हैं मानव समाज में विवाह एक प्राचीन तथा महत्वपूर्ण संस्था है। आज से नहीं, पहले से ही, प्राचीन समय से ही एक महत्वपूर्ण संस्था रही है। क्या? विवाह। यह सभी समाजों में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। अगर हम बात करें, हमारे यहाँ विवाह शादी होती है, वहाँ निकाह होता है मुस्लिमों में, इस तरीके से कहते हैं हिंदू समाज में इसका विशिष्ट महत्व है। यहाँ पर इसका बहुत विशिष्ट महत्व दिया गया है हिंदू समाज के अंदर, यानी एक विशेष महत्व दिया गया है। यह विभिन्न प्रकार के कार्य निष्पादन के लिए जाना जाता है। कहते हैं विवाह संस्कार में जो व्यक्ति आ जाता है, वह शादी कर लेता है, उसके बाद उसे बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिनका उसे समापन करना होता है, उसे पूर्ण करना होता है। वास्तव में विवाह का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। कहते हैं बच्चों कि जो विवाह है उसका जो वास्तविक उद्देश्य है, आर्थिक मतलब पैसा कमाना, और सामाजिक आवश्यकताएं मतलब जो समाज में रहते हैं जिन जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति करने का कार्य विवाह संस्कार के बाद, विवाह के बाद किया जाता है। घर की भी आवश्यकताएँ होती हैं, उनकी पूर्ति की जाती है। यह समाज में स्थायी संबंधों का निर्माण करता है। इसमें संबंध बनते हैं। अब अकेला व्यक्ति है, फिर उसके साथ एक दूसरा साथी जुड़ जाता है, तो मतलब एक साथ दो हो जाते हैं, इसका मतलब होता है संबंध जुड़ते हैं। आइए बच्चों देखते हैं विवाह के रूप होते हैं। विवाह कई रूप में विद्यमान है। इन रूपों को विवाह करने वाले साथियों की संख्या तथा कौन किससे विवाह कर सकता है नियंत्रित किए जाने वाले नियमों के आधार पर विभाजित किया जाता है। कहते हैं बच्चों कि विवाह किससे करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, इस प्रकार की बात इसमें कही जा रही है। कहते हैं वैधानिक रूप से विवाह करने वाले साथियों की संख्या के आधार पर विवाह दो प्रकार का है, दो रूप का है। कहते हैं दो रूप का है मतलब एक विवाह तथा बहुविवाह। नंबर एक क्या है? एक विवाह। नंबर दो बहुविवाह। एक विवाह क्या होता है बच्चों, इसे जानते हैं। एक विवाह का अर्थ एक पुरुष एक महिला के साथ विवाह करे। बच्चों इसका मतलब क्या होता है? एक पुरुष है, एक ही महिला के साथ विवाह करे, उसे एक विवाह कहते हैं। इसी प्रणाली में आजीवन एक पुरुष तथा एक महिला पति पत्नी के रूप में रह सकते हैं। ये दोनों एक ही साथ रहें, एक रूप में रहें, आजीवन रहें, मतलब जब तक उनकी आयु है दोनों एक साथ रहते हैं, इसका मतलब क्या है? ये एक विवाह है। एक विवाह प्रणाली को आदर्श माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। जहाँ बहुविवाह की स्वीकृति है वहाँ भी एक विवाह ही अधिक प्रचलित है। जहाँ पर कहते हैं बहुविवाह की स्वीकृति दी गई है वहाँ पर भी केवल एक विवाह ही प्रचलित है। आप कहोगे बहुविवाह की स्वीकृति कहाँ पर हो सकता है? मुस्लिम समाज के अंदर, मुस्लिम लोगों के बीच में हो सकता है, वहाँ कई सारे विवाह करने की पद्धति हो, निकाह करने की पद्धति हो, फिर भी वहाँ केवल एक विवाह को समझने का प्रयास करते हैं, उसे ही वो अधिक प्रचलित मानते हैं, उसे ही अच्छा मानते हैं। कई समाजों में व्यक्तियों को पुनः विवाह की अनुमति पहले साथी की मृत्यु, देखिए जब व्यक्ति दूसरा विवाह करता है उसके कई कारण बन जाते हैं,
वो क्या है, अनुमति पहले साथी की मृत्यु अथवा तलाक के बाद ही दी जाती है। दूसरा विवाह कब कर सके व्यक्ति, या तो उसका तलाक हो गया हो या उसकी किसी उसके साथी की मृत्यु हो गई हो, किंतु वैसे साथी में भी एक से अधिक साथी नहीं रख सकते, ऐसे विवाह को क्रमिक एकविकी विवाह कहा जाता है। किंतु ऐसे साथी भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि एक साथ दो साथी रखना पसंद करते हैं, पर वो कहते हैं ऐसे साथी वो नहीं रख सकते अगर बिना किसी के अनुमति, यानी तलाक नहीं हुआ या साथी की मृत्यु नहीं हुई, अगर उन्होंने दूसरी शादी कर ली तो वो अपने साथी को नहीं रख सकते, अगर उन्होंने रख लिया तो इस प्रकार के विवाह क्या कहते हैं, क्रमिक एकविकी विवाह। अधिकांश जगहों पर पत्नी की मृत्यु के बाद पुरुष द्वारा पुनर्विवाह करने का नियम है, उच्च जाति के हिंदू महिलाओं के लिए पुनर्विवाह की स्वीकृति नहीं है। 19वीं शताब्दी में समाज सुधारक आंदोलन में विधवा पुनर्विवाह केंद्रीय विषय था। देखिए 19वीं शताब्दी में कुछ समाज सुधारकों ने, समाज सुधार आंदोलन जब चला, राजा राम मोहन राय ने इस पुनर्विवाह जैसी पद्धति को, विधवा जैसी पद्धति को उन्होंने उठाया और इस पर बहुत गहनता से उन्होंने अपना कहते हैं विचार रखे और समाज को समझाने का प्रयास किया, ऐसी पद्धति को, पुनर्विवाह वाली पद्धति को समाप्त करने का प्रयास किया। यानी उन्होंने क्या कहा, शादी हो सकती है, अर्थात विवाह विधवा महिला की भी शादी हो सकती है, वो भी अपने जीवन को आगे चला सकती है, जब पुरुष चला सकता है तो एक महिला भी चला सकती है। भारत में एक आंकड़ों के अनुसार आज भी महिलाओं की संख्या, कहते हैं कुल जनसंख्या की 10% महिला विधवा है तथा 50% अधिक आयु की महिला जो है, 55% महिला विधवा है। कहते हैं जनसंख्या के अनुसार तो केवल 10% है पूरे उसमें भारत के अंदर, अगर पूरे आवरण निकाली जाए तो 55% ऐसी महिला है जो विधवा के रूप में है। बहुविवाह क्या होता है, अभी हमने एक एक विवाह पढ़ा, अब क्या है बहुविवाह। बहुविवाह वह प्रणाली है जिसमें कई पुरुष एक स्त्री अथवा कई स्त्रियां एक पुरुष से विवाह करती हैं। जैसे मान लीजिए पुरुष, कहते कई पुरुष हैं एक स्त्री अथवा कई स्त्री एक पुरुष, कई स्त्री मान लीजिए एक व्यक्ति है उसकी कई शादियां हो जाए, या एक महिला है उसके कई शादियां हो जाए, यह साथियों की संख्या एक से अधिक होती है जिस कारण उसे बहुविवाह कहा जाता है। बहुविवाह प्रणाली भी दो प्रकार की व्यवस्थाएं विद्यमान है, ये कैसी हैं, बहुपत्नी विवाह तथा बहुपति विवाह। कहते हैं बहुपत्नी विवाह क्या होता है, एक पति और दो या दो से अधिक पत्नियां। बहुपति विवाह वो बहुपत्नी विवाह था, ये क्या है बहुपति विवाह है। बहुपति विवाह में क्या, एक पत्नी दो या दो से अधिक पति। जहां आर्थिक स्थितियां कठोर होती हैं वहां बहुपति प्रथा समाज की एक प्रतिक्रिया है। कहते हैं जहां पर लोगों के पास पैसा है वहां पर बहुपति, यानी एक पत्नी से दो पत्नी दो पति अधिक कहते हैं ना, ये प्रक्रिया है, क्योंकि एक पति बच्चों और परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता। अत्यधिक निर्धनता की अवस्था में कोई समूह अपनी जनसंख्या की सीमित रखने के लिए इस प्रणाली को अपनाता है, कौन सी बहुपति विवाली, यानी एक पत्नी है उसका उसका दूसरा पति था, मान लीजिए उसके बच्चे हो गए, उसका वो पति है वो काम नहीं कर पाता है, वो कमा नहीं पाता, तो महिला उसके पति को तलाक देकर दूसरे व्यक्ति से शादी कर सकती है और अपने बच्चों का भरण पोषण करा सकती है। विवाह निश्चित समय, कहते हैं विवाह निश्चित करना नियम और शर्तें या निर्देश। कहते हैं विभिन्न समाजों में विवाह में साथी का चयन अभिभावक तथा संबंधित द्वारा किया जाता है। कई समाजों में साथी के चयन की कतिपय स्वतंत्रता होती है, कतिपय स्वतंत्रता का मतलब होता है वो स्वतंत्र स्वयं भी अपने आप चुन लेते हैं अपना वर। कहते हैं साथी का मतलब होता है यहाँ पर अपना वर चुनना या बहू चुनना या कहते हैं दूल्हा चुनना। कुछ समाजों में यह प्रतिबंध अत्यधिक सूक्ष्म है, मतलब थोड़ा है, जबकि कई समाजों में इसके नियम अधिक स्पष्ट तथा विशिष्ट रूप से परिभाषित होते हैं। विवाह साथी की योग्यता अयोग्यता नियंत्रण करने वाले नियमों के आधार पर विवाह के रूपों को अंतर्विवाह बहुविवाह के रूप में स्वीकृत किया गया, एक अंतर्विवाह और एक बहुविवाह बहिर्विवाह। अंतर्विवाह क्या होता है, अंतर्विवाह का होता है किसी व्यक्ति का समूह वर्ण या जाति के भीतर विवाह करना। प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत लोग सामान्यतः अपने वर्ण में ही विवाह करते थे। मैंने कहा ना प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इस प्रकार की व्यवस्था हुआ करती थी। जाति प्रथा के सृजन के बाद लोग अपनी जाति में ही विवाह करने लगे, उसके बाद जाति व्यवस्था बनी और जैसी जाति व्यवस्था का सृजन हुआ, जैसे जाति व्यवस्था आई धीरे धीरे लोगों ने अपनी जातियों में शादी करना शुरू कर दिया। अंतर्विवाह एक ऐसी मान्यता जिसमें स्त्री तथा पुरुष अपनी ही जाति में या उपजाति में विवाह करते हैं। अंतर्विवाह का मतलब ये होता है
अपनी ही जाति में विवाह करना। अब बहिर्विवाह क्या होता है, यानी बाहर, बाहर का मतलब कहते हैं अपने रक्त समूह के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति से विवाह नहीं करना अथवा उससे बाहर विवाह करना। मैंने कहा बहिर्विवाह का मतलब क्या होता है, बाहर विवाह करना, यानी अपने रक्त समूह के अंदर नहीं आने वाला, आने वाले व्यक्ति से विवाह नहीं करना अथवा बाहर विवाह करना। इस प्रणाली की तरह एक प्रवर गोत्र अथवा सपिंड वाले परिवार में विवाह नहीं किए जा सकते। हिंदू समाज के अंदर देखा जाता है एक गोत्र से गोत्र नहीं मिल सकता, परिवार से परिवार नहीं मिलता, मतलब जैसा परिवार जिस जाति का है उस जाति में गोत्र चेक किए जाते हैं, यहाँ तक दादा दादी ना नाने तक के गोत्र को चेक किया जाता है, तब जाकर शादी की पद्धति आगे बढ़ती है। उत्तर भारत में कुछ गाँवों में बहिर्विवाह प्रचलित है। बहिर्विवाह में यह भी माना जाता है जिन परिवारों में लड़कियों का विवाह ही घर से काफ़ी दूर हो, यह व्यवस्था लड़की के नातेदारों के हस्तक्षेप के बगैर उसके ससुराल में सुचारू परिवर्तन तथा समायोजन की सुनिश्चित करने की प्रक्रिया से संबंध है। भौगोलिक दूरी तथा पितृवंशीय व्यवस्था के असमान संबंध यह सुनिश्चित करते हैं। भौगोलिक दूरी का मतलब होता है कितनी दूर है वे व्यक्ति, यानी जमीनी दूरी देखी जाती है। पितृवंश देखा जाता है पिता का वंश कितना है, पुराना है, कैसा है, कि विवाहित लड़कियां अपने परिवार में बार बार न जा पाए, इस प्रकार जन्म स्थान से अलग होना दुखदायी है। और उसी स्थान लोकगीत में दर्शाया गया है कि एक लोकगीत में स्वर इस प्रकार है, पिताजी हम चिड़िया के झुंड की तरह हैं, पिताजी हम चिड़ियों के झुंड की तरह हैं, हम दूर उड़ जाएंगी, हम दूर उड़ जाएंगी और हमारी उड़ान बहुत लंबी होगी। कौन कह रही है, एक लड़की कह रही है, हमें नहीं मालूम कि हम कहाँ जाएंगी, पिताजी मेरी पालकी आपके घर से नहीं जा सकती क्योंकि दरवाज़ा बहुत छोटा है, बेटी मैं एक ईंट निकाल दूंगा तुम्हारी पालकी के लिए, दरवाज़ा बड़ा करने के लिए तुम्हें अपने घर अवश्य जाना होगा। इस प्रकार की बातें एक पिता और पुत्री के बीच में हो रही हैं। कहते हैं कुछ बुनियादी संकल्पनाएं परिवार नातेदारी तथा विवाह को परिभाषित करना। परिवार विभिन्न रिश्तेदारी या नातेदारी संबंधों से जुड़े व्यक्तियों का एक समूह है। इसमें बड़े सदस्यों की दायित्व बच्चों के पालन पोषण का है। कहते हैं बच्चों के पालन पोषण सामान्य शब्दों में नातेदारी रिश्तों के आधार पर बने मानवीय संबंधों की व्यवस्था है। भाई नातेदारी यानी रिश्तेदारी कैसे बनती है, संबंधों से। शादी कर लेते हैं, शादी कर देते हैं दूसरे परिवार में, जब वहाँ संबंध जुड़ जाते हैं तो वही रिश्तेदारी का रूप बन जाता है। यह विवाह के माध्यम अथवा वंश परंपरा के माध्यम से रक्त संबंधों को जोड़ते हैं। कब जुड़ता है, शादी के बाद। कहते हैं विवाह को दो व्यस्क, व्यस्क व्यक्ति कौन होता है, जिसके 18 साल से ऊपर की आयु हो गई हो। पुरुष और स्त्री के बीच लैंगिक संबंधों के सामाजिक स्वीकृति तथा अनुमोदन के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी स्वीकृति दी जाती है सामाजिक जीवन में, यानी इन लैंगिक संबंधों को बनाने के लिए, तब जाकर ये संबंध बन जाते हैं। नातेदारी के निर्माण में दो प्रकार से होता है। प्रथम क्या है, उस परिवार में जन्म लेना तथा दूसरे उसी परिवार में विवाह होने पर, या तो उसी परिवार में जन्म ले जाए जब संबंध बनता है, या उस परिवार में शादी करने से। वैवाहिक संबंध व्यापक क्षेत्र में लोगों को जोड़ता है। रक्त के माध्यम से बने नातेदारों को समरक्त नातेदार तथा विवाह माध्यम से बने नातेदार को वैवाहिक नातेदार कहा जाता है। यानी दो क्वेश्चन भी आपके इसमें, समरक्त नातेदार किसे कहते हैं, समरक्त नातेदार क्या होता है बच्चों, रक्त के माध्यम से जो बने नातेदार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समरक्त, और जो विवाह के माध्यम से बने होते हैं उन्हें कहते हैं वैवाहिक नातेदार। क्वेश्चन आ जाता है इस प्रकार का, जन्म के परिवार को जन्म का परिवार, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कहा जाता है, और जिस परिवार में व्यक्ति का जन्म होता है उसे प्रजन का परिवार क्या कह देते हैं, यानी कहते हैं जिस परिवार में जन्म लेता है उसमें, या जिस परिवार में यो जन्म का परिवार माना जाता है, जिस परिवार में वो रहता है या जिस परिवार में उसका जन्म होता है उसे जन्म का परिवार या जन्म प्रजन का परिवार कहा जाता है। अब आती है बच्चों इसमें जो एक संस्था थी वो थी कौन थी, विवाह संस्था, अब है आर्थिक संस्था। दूसरे संस्था का नाम क्या है, आर्थिक संस्था। आर्थिक संस्था का संबंध समाज की अनुकूलन संबंधी समस्या से होता है, अनुकूलन संबंधी होती है उस समय की परिस्थिति के अनुसार, उसमें उन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है जिसमें समाज में वस्तुओं के उत्पादन एवं विवरण से संबंधित होती हैं, यानी उत्पादन यानी पैदा से और बटने से, यानी जो वितरण होता है उससे संबंधित होती हैं। आर्थिक संस्थाओं द्वारा ही जीवन निर्वाह से आवश्यकताओं की पूर्ति, जीवन निर्वाह की
आर्थिक संबंधों की जो होती है, जीवन निर्वाह के जो संबंध, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति इसमें होती है। एडिसन एवं पार्कर के अनुसार वस्तुओं के उत्पादन तथा विवरण के माध्यम से आर्थिक संस्थाएं समाज को संपोषित करती हैं तथा उसे शक्ति प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य संपादित करती हैं। आर्थिक संस्थाएं समग्र रूप से उन प्रविधियों या विचारों के संस्थाओं के रूप में व्यक्त करता है, एक स्वरूप में व्यक्त करता है जिसमें जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए भौतिक पर्यावरण का अधिकतम उपयोग में से संबंध है। कहते हैं बच्चों, ये आर्थिक जो समस्त आर्थिक संस्थाएं जो है, ये क्या काम करती हैं, हमारी वस्तुओं में जितनी पैदा हो रही है, उनका वितरण कैसे होता है, उन सारी चीज़ों को शक्ति प्रदान करती हैं, हमें ताकत प्रदान करती हैं, हमारे खाने की चीज़ें उपलब्ध कराती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। आर्थिक संस्थाओं की परिभाषाओं में यह स्पष्ट है कि आर्थिक संस्थाएँ अर्थव्यवस्था में उत्पादकता वितरण के नियमों में विशिष्ट विवेचना करती हैं। ये सारी हमारे नियम कानून बनाने का काम करती हैं। समाजवाद कहते हैं, समाजवाद, पूंजीवाद, सामान्यवाद, सामंतवाद, संपत्ति, श्रम विभाजन तथा अनुबंधी इत्यादि आर्थिक संस्थाएं, इस प्रवृत्ति के आधार पर अर्थव्यवस्था को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। कहते हैं संग्रहालय सरल रूपांतरकारी, जटिल रूपांतरकारी, एक सरल है एक कठिन है, यह एक मिश्रण रूप से इस तरीके की संस्थाओं में व्यक्त किया जा सकता है। आर्थिक व्यवस्था को, जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है, उसे दो तीन प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। अब आर्थिक संस्थाओं का महत्व क्यों है, कहते हैं किसी भी समाज की आर्थिक संस्थाओं का महत्व अपना महत्व है। आर्थिक संस्थाएं किसी समाज में किसी समाज की उस प्रक्रियात्मक उप व्यवस्था का निर्माण करती हैं जो समाज की अनुकूलन संबंधी समस्या को हल करती है, उस समय की परिस्थिति के आधार पर उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती हैं। अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक संस्थाओं को कई बार अनुकूलनकारी उपव्यवस्था भी कहा जाता है, अर्थात कहते हैं कि जिस समय की जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुसार उसमें काम करने का नाम ही उसे अनुकूलन या अनुकूलनकारी व्यवस्था या उपव्यवस्था का नाम भी दिया जा सकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तथा वितरण में लगी सभी इकाइयों का पारस्परिक संबंधों को नियमित करने का कार्य आर्थिक संस्थाएं करती हैं। इनसे ऐसी सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो सामान्यतः परिवार, समुदाय तथा राज्य इत्यादि के लिए अनिवार्य होती हैं। आर्थिक संस्थाएं द्वारा कोई भी समाज मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करता है, अपनी जितनी भी समस्याएं होती हैं उन्हें क्या करता है, उनकी पूर्ति करता है तथा प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करने का प्रयास करने में भी सक्षम होता है। सभी जगह आजकल देखने को मिलता है बड़ा कॉम्पिटिशन है, और कॉम्पिटिशन के दौर में सभी लोग अपनी अपनी चीज़ों को बेहतर दिखाने का प्रयास करते हैं, ऐसे चीज़ों में भी नियंत्रण करने का काम करता है कौन, आर्थिक संस्थाएं जो होती हैं। कहते हैं अवस्था में भूमि ही संपत्ति का स्रोत होता है, सॉरी, आर्थिक संस्थाओं की प्रकृति पूर्व औद्योगिक तथा औद्योगिक व्यवस्थाओं में विभिन्न प्रकार की होती हैं। पूर्व औद्योगिक अवस्थाओं में भूमि ही संपत्ति का स्रोत होता है, पहले की जो बात करें औद्योगिक क्षेत्र में केवल कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र होता था, भूमि एक ऐसी चीज होती थी जिसका व्यक्ति उसे स्रोत मानता था अपना। इस दौर में सरल प्रौद्योगिकी पाई जाती थी, श्रम विभाजन में विशेषीकरण का स्तर पाया जाता था, प्रत्यक्ष एवं परंपरागत विनिमय एवं वितरण के माध्यम से मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती। विनिमय क्या होता है, वस्तु के बदले वस्तु, या वस्तु हमने कोई खरीदी उसका मतलब पैसा दिया, इस प्रकार की प्रक्रिया या इस प्रकार की क्रिया की जाती है, हमने किसी सामान कोई चीज़ खरीदी उसके बदले हमने कोई पैसा दिया, ठीक है। औद्योगिक व्यवस्था में आर्थिक संस्थाएं विकसित श्रम विभाजन, उत्पादन, व्यापार एवं लाभ से संबंधित होती हैं। औद्योगिक व्यवस्था में इन्हीं विशिष्टताओं को स्थान दिया जाता है। समाज की विभिन्न उप व्यवस्थाओं के लिए आदि साधन आर्थिक उप व्यवस्था पर ही निर्भर करते हैं, इसलिए इस उप व्यवस्था में या उप व्यवस्था जिसमें आर्थिक संस्थाएं सभी सम्मिलित होती ही हैं कि समाज का महत्वपूर्ण भूमिका से निर्धारित होती हैं। कहते हैं बच्चों कि जितनी भी आर्थिक संस्थाएं हैं वो पूरी तरह से हमारी जितनी भी आर्थिक संबंधी चीज़ें होती हैं उन सभी समस्याओं को दूर करने का काम करती हैं, और इसके बिना हमारा कार्य नहीं चल पाता है, चाहे उसमें श्रम विभाजन हो। आप देख लीजिए फोटो चित्र में दिखा रखा है पूरा एक डायग्राम, ये क्या है, सिस्टम से बना हुआ है, किसान काम कर रहा है, सिलाई की मशीन है, बच्चे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से अपना कार्य सब में लगे हुए हैं, कार्यों के प्रकार दिए गए हैं। आधुनिक समाज की विशेषता आर्थिक निर्भरता का असीमित विस्तार है, कहते बहुत बड़ा ही है, असीमित है, हम सभी बहुत से अन्य श्रमिकों पर निर्भर करते हैं। उत्पादनों और सेवाओं के लिए संपूर्ण विश्व में श्रम का विस्तार है,
श्रम मतलब मेहनत। आधुनिक समाज में अधिकांश लोग अपने भोजन, आवास तथा अन्य उपभोक्ताओं की वस्तु के लिए स्वयं उत्पादन नहीं करते हैं, वह अन्य आर्थिक संस्थाओं पर ही निर्भर रहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं बच्चों, बहुत सारे ऐसे कहूँ मैं बात कि हम सब चीज़ नहीं उगा पा सकते, हम सारी चीज़ें नहीं ला सकते, हम दूसरे पर निर्भर जरूर होंगे, ठीक है। इसलिए श्रम की मांग होती है। श्रम क्या होता है? आधुनिक श्रम विभाजन। आधुनिक समाज की अर्थव्यवस्था की सर्वाधिक महत्व विशेषता उसमें निबद्ध अत्यधिक जटिल श्रम विभाजन है। अर्थव्यवस्था असंख्य व्यवसायों से परिभाषित है जिसमें लोग विशेषज्ञ के रूप में कार्य करते हैं। पारंपरिक समाज में कृषि कार्य तथा गैर कृषि कार्यों से संलग्न लोगों के बीच श्रम विभाजन किया जाता है। कुछ लोग कृषि से जुड़े होते हैं, कुछ लोग कृषि से नहीं जुड़े होते हैं, वो दूसरे कार्य को करे हुए होते हैं। गैर कृषि कार्य के लोग हस्त कौशल से संबंधित कार्यों को करने से पूर्व लंबे प्रशिक्षण से गुजरते हैं। जब कोई चीज़ सीख के करते हैं उसे हस्त यानी प्रशिक्षण कहते हैं, उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई होती है। आधुनिक लोग उद्योग में नौकरी करने वाले लोग विशिष्ट कार्यों में प्रशिक्षित होते हैं यानी सीखे हुए होते हैं। आपने देखा कुछ लोग नौकरियां करते हैं तो कुछ लोग कृषि करते हैं। कार्य रूपांतरण क्या है बच्चों? औद्योगिक प्रक्रियाएं संगठन तथा निगरानी की व्यवस्था पर आधारित है। थोक उत्पादन के लिए थोक बाजारों की आवश्यकता होती है। उत्पादन की प्रक्रिया में कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्वचालित उत्पादन की कड़ियाँ, ठीक है, मूविंग असेंबली लाइन का निर्माण था। आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था में महंगे उपकरणों पर निगरानी व्यवस्था के माध्यम से कर्मचारियों की निगरानी की जाती थी। कहते हैं बच्चों जितने भी औद्योगिकरण क्षेत्र आजकल देखने को मिल रहे हैं, फैक्ट्री देखने को मिल रही हैं जहाँ पर अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है, कृषि क्षेत्र में भी देखभाल की जाती है, वहाँ उपकरणों के माध्यम से तो नहीं की जाती, केवल वो अपनी निगरानी के माध्यम से करते हैं, स्वयं निगरानी करते हैं। पर औद्योगिक क्षेत्र में जो आपकी औद्योगिक कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, उनमें क्या होता है उपकरणों के माध्यम से उस व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए ऐसे निगरानी की जाती है, उसे कर्मचारियों पर निगाह देखा जाता है कि कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, इस तरीके का कार्य देखा जाता है। और सबका कार्य क्या होता है अलग अलग रूप में होता है, कोई किसी कार्य को करता हुआ होता है तो किसी कार्य को कोई और करता हुआ होता है, इस तरीके के लोग उसमें देखने को मिलते हैं। बच्चों इस वीडियो में हमने विभाग के बारे में बताया, विभाग के रूप बताए, विभाग के प्रकार बताए, ठीक है, इस प्रकार से इसके श्रम विभाजन बताया, आर्थिक संस्थाओं के बारे में पढ़ा। इससे अगले वीडियो में और संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।